हेलो स्टूडेंट्स, मिलन टू स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ से कैसे सीना बुक एक्सरसाइज नंबर 27.2 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें आप इसके पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग बना लिए हैं और आप समझ भी लिए हैं। उससे जितने कमेंट्स आए उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अभी भी हम लोगों का ग्रोथ रेट जो है वो कमज़ोर है, और जब तक हम लोग ग्रोथ नहीं करेंगे हम ज़्यादा समय इस पर कैसे दे पाएंगे। हमारी भी इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, लेकिन नहीं दे पाते हैं। कॉमेंट्स आता है एक दो बच्चों का, लेकिन एक दो लोगों के लिए अगर हम ज़्यादा समय यहीं लगाएंगे तो हम भी प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। इसलिए हम अब चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आपके सामने आए। चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक्सरसाइज नंबर 27.2। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जब भी इस तरह का कुछ भी लिमिट्स अलग तरीके का हो तो सबसे पहले हम लिमिट्स को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिमिट्स को चेंज करते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि सेंस वाई टेंस टू ए, तो यहाँ से यह भी हो जाएगा कि वाई माइनस ए टेंस टू जीरो। ठीक है, दोनों तरफ को ए माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि लेट वाई माइनस ए इज इक्वल टू एच, तो यहां से हमें मिल जाएगा कि एच टेंस टू जीरो। क्यों? क्योंकि वाई माइनस ए टेंस टू जीरो है। और साथ ही मिल जाएगा ऑल्सो y इज इक्वल टू ए प्लस एच। ठीक है, अब इसी पूरे टर्म्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रिक्वायर्ड हमारा लिमिट्स क्या हो जाएगा। रिक्वायर्ड लिमिट्स हो जाएगा कि लिमिट्स h टेंस टू जीरो साइन और y माइनस ए हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा h बाई टू। और यहाँ पे tan पाई बाई टू ए ले लिया और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। ठीक है, अब इसको अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू और टैन हो जाएगा, टैन अंदर ले चलेंगे तो ये से ये कट जाएगा पाई बाई टू प्लस वहां पे हो जाएगा पाई एच बाई टू है। ठीक है, ये टर्म्स हो गया। अब पाई थीटा प्लस सॉरी पाई टेन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। क्या होगा, ये टेन पाई प्लस थीटा हो जाता है माइनस कॉट थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन पाई बाई टू और माइनस कॉट पाई एच बाई टू। फर्दर अगर हम करते हैं इसको आगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस कॉट है तो माइनस पहले लगा देते हैं, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन एच बाई टू और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं इनटू वन बाई टेन पाई एच बाई टू है। ठीक है, अब चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। माइनस क्या हो जाएगा, साइन एच बाई टू, लिमिट्स भी लगाना पड़ेगा, सॉरी
ये हो जाएगा लिमिट, और देखिए एच टेंस टू जीरो है तो एच बाई टू टेंस टू भी जीरो ही होगा, तो एच बाई टू टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू, अरे आप हम डिवाइड कर देते हैं एच बाई टू से, और मल्टीप्लाइड भी हमको एच बाई टू से करना होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एच बाई टू। अब टेन वाला है तो टेन में ले लेते हैं कि इनटू लिमिट, अब यहाँ पे टेन के साथ है पाई एच बाई टू है, तो एच टेंस टू जीरो है, एच टेंस टू जीरो है तो उसमें पाई बाई टू ए मल्टीप्लाइड कर देंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा, जीरो ही रहेगा एच बाई टू ए टेंस टू जीरो बाई टेन पाई एच बाई टू है, और यहाँ भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा पाई एच बाई टू है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पाई एच बाई टू है। ठीक है, आप लिख सकते हैं हम माइनस लिमिट एच बाई टू जीरो साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू इनटू एच बाई टू, और यहाँ इनटू पाई एच बाई टू है। ठीक है, और यहाँ पर जो पाई एच बाई टू है ये उल्टा होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू ए बाई पाई एच। आप लिमिट्स रख देंगे, और लिमिट रखने में पहले सबसे पहले देखिए एच एच कट गया टू, टू से कट गया, और ये लिमिट एच बाई टू टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू, यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा वन, और उसी तरह टेन थीटा बाई थीटा वन, तो ये दोनों तो टर्म हो गए वन वन, बच गया टर्म्स क्या डेट इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ ए बाई पाई और ये हो गया आंसर। ठीक है, और चूंकि हम इसमें एक ये किया है क्योंकि फिर से कमेंट्स आया है और चेक तो मैंने किया, तो वहाँ पे रियली मिस्टेक था, ये टू छूट गया था जिस वजह से जो हम लोगों का वैल्यू आ गया है उस क्वेश्चन में वन बाई टू, जबकि उसका वन आंसर आना था, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया कि आंसर्स भी लाए हैं आज, आंसर हम लोग चेक कर लेंगे और उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कहाँ गलत हुआ है, तो ये वीडियो में ही चेक हो जाएगा, तो शायद वो कमेंट्स उस पर आना ये आंसर से आना बंद हो जाएगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या है ये कि नहीं है। देखिए ये आंसर है यहाँ पे, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 32। अब 32 में दिया हुआ है कि लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा पाई माइनस टू थीटा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको ही चेंज करेंगे, तो हमने ले लिया कि थीटा टेंस टू पाई बाई टू, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा कि थीटा माइनस पाई बाई टू टेंस टू जीरो, और ये भी हो जाएगा कि पाई बाई टू माइनस थीटा टेंस टू जीरो, और ऐसा कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट
माइनस टू बीटा इज इक्वल टू एच। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर हम सॉल्व करें तो ये देखो पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे टेंस टू 0 हो जाएगा। तो एच टेंस टू 0 क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस टू थीटा टू जाकर 0 में मल्टीप्लाइड होगा, 0 ही हो जाएगा। तो पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू टेंस टू 0, तो एच टेंस टू 0 ये हो गया। लेकिन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब यहाँ पे एच लिए, तो यहाँ से एक और चीज मिल जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एच, यानी कि पाई बाई टू माइनस एच बाई टू। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, ले लेते हैं लिमिट क्या हो जाएगा, देयर फॉर क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 और सेक थीटा की जगह क्या पुट करना है, पाई बाई टू एच बाई टू, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच बाई टू माइनस टेन, और ये भी होगा पाई बाई टू माइनस एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि लिया गया है माइनस टू थीटा इज इक्वल टू एच। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और सेक थीटा पाई बाई टू माइनस एच बाई टू, ये हो जाएगा कोसेक एच बाई टू माइनस टेन हो जाएगा, वो कॉट हो जाएगा, कॉट एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 1 बाई साइन हो जाएगा और ये कॉस बाई साइन हो जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे डेट गेप्स लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई साइन, यानी कि 1 बाई साइन एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच साइन एच बाई टू, क्योंकि 1 बाई साइन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉट बाई साइन हो जाएगा कॉट। तो सॉल्व करेंगे तो 1 बाई माइनस कॉस एच बाई टू बाई साइन एच बाई टू, तो वो नीचे चला जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू एक पुट करेंगे और वो वैल्यू क्या होगा कि इसको हम सॉल्व कर देंगे लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/4 1 माइनस कॉस h/2 जो होगा, और यहाँ हो जाएगा h इंटू साइन एच बाई टू हो जाएगा 2 साइन h/4 cos h/4। अब इसको जो कटने वाला है काट देते हैं, 2 से 2 कटेगा, 1 साइन 4 से ये एक साइन एच बाई फोर कैंसिल हो जाएगा। लिमिट्स क्या बच जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर जो बचा साइन एच बाई फोर, और यहां पे आएगा एच कॉस एच बाई फोर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, अब एच बाई फोर है तो हम यहाँ पे लिमिट से ले लेते हैं एच बाई फोर टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन एच बाई फोर, और यहाँ भी ले लेंगे साइन एच बाई फोर, ठीक है। तो एच बाई फोर, तो एच तो था, एच यहाँ पे था लेकिन फोर हम लोगों ने डिवाइड किया है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो नीचे का नीचे किया है तो इसलिए 1/4 होगा ये, और इनटू ठीक है 1 बाई कॉस h/4, इसको लिमिट भी लगाना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे लिमिट ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा नहीं। तो ये हो जाएगा लिमिट
एच बाई फोर टेंस टू जीरो वन बाई कॉस एच बाई फोर। अब लिमिट पुट कर देंगे, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये साइन थीटा बाई थीटा वन हो जाएगा, वन बाई फोर है हमारे पास, और कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है यानी कि वन बाई वन, और यहाँ पे हो जाएंगे वन बाई फोर। ये आंसर हो गया। अब आंसर हमको मैच करना है, तो आंसर जरा मैच करके देख लें, वन बाई फोर यानी कि आंसर्स भी राइट है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आंसर लेने से एक हमें ये फायदा हो गया है कि हम देख लेते हैं आंसर, हमें भी संतुष्टि हो जाती है, तो चूंकि हमारे कैलकुलेशन जो है ना जल्दी जल्दी करने में कुछ मिस हो जाता है, तो आंसर्स कई सारे क्वेश्चंस के हमारे नहीं मिल पाते हैं, मैच नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं कि वो प्रोसेस में कहीं गलती होती है, प्रोसेस में नहीं गलती होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर टू था, टू छूट गया आगे स्टेप में, तो वहाँ से अब गलत होना शुरू हो गया, तो वो आप अगर चेक करेंगे प्रोसेस बिल्कुल सही रहता है, चेक करेंगे तो कोई नंबर छूटा होगा तो उससे कैलकुलेशंस वगैरह से आपको मिल जाएगा खुद ही, नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट्स करते हैं तो मैं उसको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, वो मैं करता हूँ, लेकिन ये आंसर्स लेने से हम इस वीडियो में ही सॉल्व कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर भी मैच कर गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और इसको हम सब्टिट्यूट करें, इससे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू, और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और वन बाई साइन है तो वन माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ देख सकते हैं आपके ये एक कॉस कट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और फर्दर लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू, और यहाँ बचा वन माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन है और कॉस स्क्वायर है, तो साइन को हमने लिखा साइन थीटा और कॉस को लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू वन साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा, और अब ये वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा कट जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा तो लिमिट बच जाएगा थीटा टेंस टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा वन बाई साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये लिमिट्स हो गया। तो अब यहाँ पे हम चाहें तो डायरेक्ट लिमिट्स रख सकते हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है पाई बाई टू है, साइन पाई बाई टू क्या होता है वन होता है, जीरो नहीं होता है, तो लिमिट्स रख देंगे, ये लिमिट्स हो जाएगा हमारा वन बाई साइन पाई बाई टू और वन प्लस साइन पाई बाई टू, और यहाँ पे वन बाई वन और वन प्लस वन डेट इज मीन्स वन बाई टू, और ये आंसर हो जाएगा। तो कई ऐसे लिमिट्स होते हैं कि वो देखने में बड़े लगते हैं कि टफ होंगे, लेकिन बहुत इजीली वो कैलकुलेट हो जाते हैं। चलिए इसका भी आंसर्स मिला लेते हैं, देखिए आंसर्स वन बाई टू है, आंसर्स भी राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर को आगे बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में क्या दिया हुआ है कि एक्स टेंस टू वन वन प्लस कॉट पाई एक्स कॉस पाई एक्स और कॉट स्क्वायर पाई एक्स, ठीक है।
तो अब इसमें क्या करना है हमको ये देख लें। यहाँ भी अभी बहुत सारा हम लोग कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, यहाँ आते हैं पहले। 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos² x, तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x → 1 और ये हो जाएगा 2 cos² πx/2। और cot स्क्वायर cos² πx/(sin² है वो हो जाएगा 1 cos² πx। और इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं cos² π/2 π/x/2 प्लस, इसको बदलना नहीं चाहिए था। और ये आएगा 1 प्लस πx और 1 माइनस cos πx। ठीक है, अब यहां पे है 1 प्लस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बदला है इसको, ये टर्म है इसको आप बदल देते हैं। चलो इसको बदलने को ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 1 प्लस cos πx से ही आया था, तो ये कैंसिल हो गया। लिमिट हमारे पास आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर 1/2 और यहाँ पे आया तो गैस आज समय इतना ही ज्यादा दे रहा है और आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आपको फिर से एक बार याद दिला देंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए तो ऐसी आशा करेंगे कि हमें सहयोग करेंगे। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। ओके, जय हिंद।